गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आप लोगों को डेसिमल चैप्टर बताने जा रहे हैं कि किसी भी संख्या में अगर डेसिमल है तो उसको हम लोग कैसे क्या करते हैं और उसको कैसे लिखते हैं। किसी भी फ्रैक्शन डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, डेसिमल का ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, इस चीज़ को आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। और यह चैप्टर फोर्थ से लेकर के सेवेंथ तक के सारे बच्चों के लिए है। आशा है कि इसके पहले जो भी मैं पढ़ा चुका हूँ उसे आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, और नहीं किए हैं तो निश्चित कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी लेने जा रहे हैं और जो फर्स्ट फॉर्मेटिव लेना है उसे हम लोग ऑनलाइन करने जा रहे हैं। अभी आपको हम बता रहे हैं चैप्टर है डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल किसको कहते हैं? डेसिमल इज द स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए पावर ऑफ 10। यानी किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल जो है वह स्पेशल प्रकार है फ्रैक्शन का, स्पेशल विशिष्ट प्रकार है फ्रैक्शन का, जिसको हम लोग जिसका डिनोमिनेटर जो है वह 10 के पावर में होता है। जैसे 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, उसका जो भी होगा वह उसका डिनोमिनेटर 10 के पावर के रूप में होगा। जैसे हम लिख सकते हैं कि 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह से आगे की तरफ हो जाए। जैसे हम देखते हैं 8/10, इसका मतलब क्या है? 0.8। 11/100, इसका मतलब है 0.11। ये है 3116/1000, तो 1000 है। इस तरह से अब 100 है, दो जीरो है तो दो अंक के बाद दशमलव हुआ है, इसलिए यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, यानी ये हो जाएगा 3.116। दूसरा कहता है कि ये डेसिमल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डेसिमल को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग जैसे हम लिखते हैं 4.034, इसमें यह भाग जो है यह होल नंबर है, होल नंबर, और इस भाग को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट, इसको हम कहते हैं होल पार्ट, होल नंबर पार्ट। यानी दशमलव के पहले वाले अंकों को होल नंबर पार्ट और दशमलव के बाद वाले अंकों को डेसिमल नंबर पार्ट कहते हैं। इसके बाद ये इसका हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं। प्लेस वैल्यू में हम आपको लिख दिए हैं कि डेसिमल नंबर लिख देंगे, उसमें थाउजेंड्स के जगह पर कितना है, 100 के जगह पर कितना है, 10 के जगह पर, 1 के जगह पर, उसके बाद डेसिमल है, फिर 10th, यानी जितना होगा उसका बटा 10, 100 जितना होगा उसका बटा 100, थाउजेंड्स जितना होगा उसका 100। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर हमारा सीरियल नंबर 1 में हम लिख दिए 234.34। इसमें हम देखते हैं कि 100 थाउजेंड्स के जगह पर कुछ नहीं है, 100 के जगह पर है कितना, 2, 10 के जगह पर 3, 1 के जगह पर 4, उसके बाद डेसिमल है, उसके बाद है 3 और उसके बाद है 4। यहाँ पर 10th कहने का मतलब है यह हो गया 3/10, 100 कहने का मतलब है यह हो गया 4/100। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 3498.4
416। दशमलव के बाद जो भी अंक होते हैं उसे उस सारे डिजिट को हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, उसको हम 416 नहीं कह सकते हैं, उसको हम कहेंगे 416। अब इसको हम लोग अगर प्लेस वैल्यू में डालें तो यहाँ 3 जो है सो थाउजेंड्स के जगह पर है, 4 जो है सो हंड्रेड के जगह पर है, 9 जो है सो टेंथ के जगह पर है, 8 जो है सो वंस के जगह पर है, इसके बाद डेसिमल है, फिर दिया है फोर्थ, वो टेंथ के फोर्थ टेंथ है, टेंथ तो टेंथ है, इसका मतलब है कि 4 टेंथ है, यानी 4/10। हंड्रेड हंड्रेड के जगह पर 1 है, यानी 1/100। थाउजेंड्स के जगह पर 6 है, यानी 6/1000। 1000। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे दिया हुआ है तीसरा नंबर में हम डालते हैं 9438.006। इस तरह का अगर है तो इसका प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जैसे 9000 थाउजेंड्स के प्लेस पर 9 है, 100 के प्लेस पर 4 है, 10 के जगह पर 3 है, 1s के जगह पर 8 है, पॉइंट है, 10th के जगह पर 0 है, यानी 0/10। फिर 0 है 100th के जगह पर, यानी 0/100। फिर 6 है 1000th के जगह पर, तो यहाँ लिख सकते हैं 6/1000। इस तरह से हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर्स का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर इसी में इस तरह का दिया है, अगर प्रश्न है कि कोई नंबर है, जैसे हम नंबर लिख देते हैं 625.341, ये कहता है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन लिख देते हैं राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको लिखना है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 625.341, इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे यह 5 इस प्लेस पर है वंस, तो हम 5 में कितना से गुणा करेंगे, 1 से। ये 5 पहले हम इधर से लिखते हैं, ये किस प्लेस पर है 1000 थाउजेंड, ये कितना हो जाएगा 1/1000। ये किस पर है 100, यानी यह कितना हो जाएगा 4/100। ये किस पर है 10th, यह कितना हो जाएगा 3/10। उसके बाद ये कितना किस प्लेस पर है वंस, यानी यह कितना हो जाएगा 5×1। यह किस प्लेस पर है 10th, यह कितना हो जाएगा 2×10। यह किस प्लेस पर है 100, यह कितना हो जाएगा 6×100। इसी को आपको अगर दूसरे तरह से लिखना है तो हम लिख सकते हैं 6×100+2×10
प्लस 5 × 1 प्लस 3/10 प्लस 4/100 प्लस 1/1000। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 625 प्लस 0.3 प्लस 0.04 प्लस 0.001। और यही जो है इसी को हम इतना लिखते हैं 625.4341। इस प्रकार हम लोग किसी भी संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 2534, दूसरा नंबर 2534.2107 2107। अब इसको हम इतना डिटेल्स में नहीं लिख करके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो हम लिख देंगे 2 किस जगह पर है 1000, तो 2 × 1000। प्लस 5 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 4 × 1 प्लस 2 10th प्लेस पर है 2/10 प्लस 100th प्लेस पर है 1/100 प्लस 0000th प्लेस पर है 0/1000 प्लस 7/10000। इस तरह से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2000 प्लस 500 प्लस 30 प्लस 4 प्लस 0.2 प्लस 0.01 प्लस, और ये जीरो है तो इसकी कोई महत्व नहीं रह जाएगा, यहां आएंगे तो हम लिख देंगे 0.000। यहां पर तो आता तो 20 के बाद आता, तो यहां 30 के बाद आएगा 7, 1 2 3 4 अंक के बाद, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ये हमारा आंसर हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म का। इस तरह से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म के डेसिमल फ्रैक्शन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। जो भी दिया रहेगा, जो भी डेसिमल दिया रहेगा, उसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देंगे। इसके बाद और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसी प्रकार से इसी को लिख देंगे। इसके बाद आता है लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। द डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। Otherwise, the decimal with different number of decimal places are called unlike decimal. Like decimal and unlike decimal. यह चैप्टर 4 से लेकर के और 7 तक के स्टूडेंट्स के लिए है, डेसिमल चैप्टर। और इसे आप सभी जो है सो अपने अपने बुक से खोज करके देख करके बनाएंगे। इसे लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि अगर दशमलव के बाद जितनी संख्या हो उतनी ही सारे संख्याओं में हो तो हम उसको लाइक डेसिमल कहेंगे। दशमलव के बाद जैसे हम लिख सकते हैं 2344.26 396.34 445.16। ये तीनों जो है, तीनों में दशमलव के बाद ये दो अंक है, दशमलव के बाद दो अंक है, दशमलव के बाद दो अंक है। इधर होल नंबर में कि संख्या कुछ भी हो
कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिसके दशमलव के बाद अंकों की संख्याएं समान हो तो वैसे डेसिमल फ्रैक्शन को हम लाइक डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। और इसी तरह से अगर ये इस तरह का हो 0.3215.21169.3427, तो ये जो है इन सब में हम यह देखते हैं कि ये जो डेसिमल के बाद इसमें जो अंक है वह 3 अंक है, यहाँ डेसिमल के बाद जो अंक है इसमें मात्र 2 अंक है, एक डेसिमल के बाद जो भी अंक है इसमें 4 अंक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दशमलव के बाद जो डिजिट है उन डिजिटों की संख्याओं में अंतर आता है, इसलिए हम इसको अनलाइक डेसिमल कहेंगे। इस तरह अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को हम अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। यानी कहने का अर्थ यह होगा कि किन्हीं कोई संख्याओं का जो समूह दिया हुआ है उसमें दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या समान हो तो वे लाइक डेसिमल कहलाएंगे, और अंकों की यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या असमान हो तो उसको हम अनलाइक डेसिमल कहेंगे। इसके बाद हम लोगों का आता है डेसिमल का जोड़, ऐड ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन का ऐड निकालने के लिए हम लोग उसे लिखने में सावधानी बरतते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन का ऐड निकालने के लिए हम लोग लिखने में सावधानी बरतते हैं कि डेसिमल को एक साथ लिखते हैं, एकदम आमने सामने लिखते हैं डेसिमल। जैसे हमको ऐड करना है 439.68 + 348.162, ये दो संख्याएं हैं, दो डेसिमल फ्रैक्शन है और इसका हमको ऐड करना है। तो हमको ऐड करने के लिए हम लिखेंगे 439.68 और ये हो गया 348.162, इसको ऐड करना है। तो डेसिमल के बाद अगर कोई अंक नहीं है तो उस पर हम जीरो डालेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेसिमल के बाद अगर जो भी अंक है उसके बाद हम अगर जीरो डालते हैं तो उससे उस संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता है। यानी हम यहाँ पर जीरो रख देते हैं तो इससे इस संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता है। हम उसको जीरो रख करके इसको लाइक डेसिमल में बदल देंगे, और लाइक डेसिमल में जब बदल देंगे तो इसका सम आसानी से निकल जाएगा। जैसे जीरो में टू जोड़ेंगे तो टू हो गया, एट और सिक्स 14 का 4 कैरी ओवर 1, और 1 और 6 7 और 1 8, और डेसिमल जो है डेसिमल दे देंगे 9 और 8 17 का 7 कैरी ओवर 1, और 4 3 और 1 4 और 4 8 और 437, ये हो गया 747.842, ये हमारा सलूशन हो गया। इस तरह से हम लोग डेसिमल का ऐड निकालते हैं। जैसे दूसरा हम ले लेते हैं 3.437 + 21.39 + 24.2581, ये हमारा
सारा सब क्वेश्चन है, इसका हमको ऐड निकालना है। तो हम लिखेंगे मेरा क्या, सबसे पहले ऐड निकालने के लिए इसके लिखने में सतर्कता बरतेंगे कि दशमलव सिर्फ दशमलव के सामने रहे, बाकी डिजिट कहीं भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दशमलव दशमलव के सामने रहे। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.437। यहाँ आगे लिखेंगे 21.39 और इसमें जीरो लगा करके हम इसको लाइक डेसिमल में बदल देते हैं। उसी तरह से वहाँ है 2.581 और तब हम इसका ऐड निकालेंगे, तो 718 8 9 17 3 20 का जीरो कैरी ओवर 2 2 4 6 3 9 5 14 का 4 कैरी ओवर 1 और ये दशमलव के सामने है इसलिए दशमलव दे देंगे और 1 3 4 1 5 2 7 और ये 2, ये हो गया 27.408। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हम लोग इसका ऐड निकाल सकते हैं। इसके बाद से है इसका सब्ट्रैक्ट, इसकी भी प्रक्रिया सेम है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी सेम प्रक्रिया है। जैसे ऊपर वाला दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि 439.68 माइनस 348.162, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 439.68 और यहाँ लिख देंगे 348.162। सब्ट्रैक्ट करने में भी लाइक डेसिमल के फॉर्म में इसको बदल देंगे, लाइक डेसिमल में बदलने के लिए इस यहाँ जीरो देना पड़ेगा और तब यहाँ सब्ट्रैक्ट का चिन्ह निकाल कर लिख करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ जीरो है, टू नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो इधर से वन लेंगे तो ये 10 हो गया, 10 में से 2 जाएगा बच गया 8, ये हो गया 7 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, ये हो गया 6 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 डेसिमल के सामने डेसिमल, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 और यहाँ पर 3 में से 4 नहीं जाएगा, 1 लेंगे तो 13 हो गया, 13 में से 4 जाएगा 9 और ये 3 3 कट गया, यहाँ बच गया 91.518। इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम आपको बता दिए डेसिमल क्या है, लाइक डेसिमल क्या है, अनलाइक डेसिमल क्या है और डेसिमल का प्लेस वैल्यू क्या है और डेसिमल का ऐड और डेसिमल का सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने बुक से या किसी तरह के क्वेश्चंस को पोज करके आप निश्चित रूप से इसे बनाएंगे और डेसिमल चैप्टर आप ढंग से समझ गए होंगे, आप बनाएंगे और मुझे दिखाएंगे। अगले दिन हम डेसिमल का मल्टीप्लाई और डिवाइड बताएंगे। थैंक यू।